Hi everyone, welcome back to the channel. This video is going to be about hair care. So recently I dropped a video on sea salt पे जिसका response मुझे बहुत अच्छा मिला और मुझे पता चला कि आप लोगों को और videos चाहिए hair care पर, तो मैंने सोचा क्यों ना एकदम basic चीज से start करें. And that's why I've come up with this video जहां हम बात करेंगे पांच ऐसे different products की जो आपके hair care routine में होनी चाहिए. और इनमें से एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो मैं कहूंगा ऑप्शनल है. आपको इनमें से सारे प्रोडक्ट्स अपने हेयर केयर रूटीन में ऐड करने हैं इफ यू वांट सम गुड एंड हेल्दी लुकिंग हेयर. Keep on watching. Okay, so before starting the video, if you're new here, make sure you subscribe to the channel. Also press on the bell icon to stay updated. अब इस वीडियो को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा और मैं हर एक पार्ट के लिए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो आपको यूज करने हैं. और ये तीन पार्ट्स है क्लेंजिंग, नरिशिंग एंड स्टाइलिंग. और हम स्टार्ट करेंगे क्लेंजिंग से. पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है एक अनियन शैम्पू. अब जो मेन रीजन है कि मैं आपको स्पेसिफिकली एक अनियन शैम्पू रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है कि अनियन शैम्पू में काफी ज्यादा अनियन जूस होता है जो आपकी हेयर डेवलपमेंट में काफी अच्छे से काम आता है. इट फाइट्स हेयर फॉल की अगर आपके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप एक बार अपने शैम्पू को रिप्लेस कर सकते हो इससे. अगर आपके स्प्लिट हेंड्स हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है. इसके साथ साथ प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी बहुत ज्यादा प्रिवेंट करता है. मतलब अगर आपके कम उम्र में सफेद बाल आ रहे हैं तो ये शैम्पू इसको भी प्रिवेंट करता है. तो ये है वो रीजन कि क्यों आपको एक अनियन शैम्पू यूज करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप चाहो तो 2-3 महीने बाद स्विच कर सकते हो किसी और शैम्पू पर, बट मेक श्योर यू हैव दिस इन योर हेयर केयर रूटीन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये आपको यूज करना ही करना है. मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ये प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं ये कहकर कि वो उनके बालों को बहुत ज्यादा लाइट कर देता है. And I am talking about a conditioner. Now this is something जो आपको no matter what करना है करना है कि अगर आप शैम्पू नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको कंडीशनर यूज करना है. Which means अगर आप रोज बाल धोते हो तो आपको रोज कंडीशनर अप्लाई करना है. Now the conditioner provides nourishment और जितने भी essential oils होते हैं जो शैम्पू वॉश ऑफ कर देता है ये उसको वापस डालता है आपके स्कैल्प में ताकि आपका स्कैल्प ड्राई ना हो जाए. इसके अलावा अगर आपके बाल फ्रिजी है तो ये उससे भी बहुत अच्छे से डील करता है गिविंग यू स्मूथ हेयर. इसलिए जब आप कंडीशनर अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपको आपके बाल बहुत ही लाइट फील होते हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट जो कि एक स्टाइलिंग का पार्ट है, एंड इट इज अ सी सॉल्ट स्प्रे. अब जितनों को नहीं पता कि सी सॉल्ट स्प्रे क्या होता है तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है. आप जाकर एक बार ये वीडियो देख सकते हो. बट द सी सॉल्ट स्प्रे इज रिक्वायर्ड फॉर स्टाइलिंग योर हेयर. और ये मैंने एसेंशियल्स की लिस्ट में इसलिए डाला है बिकॉज कोई सा भी हेयर स्टाइल हो यू वॉन्ट सम वॉल्यूम एंड दैट परफेक्ट टेक्सचर जो आपके हेयर स्टाइल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए, या फिर आपको एक बेबी हेयर स्टाइल चाहिए तो आप एक सी सॉल्ट स्प्रे डेफिनेटली यूज कर सकते हो. जो पर्सनली मैं यूज कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से वो ही फ्रॉस का सी सॉल्ट स्प्रे, विच एड्स अ लॉट ऑफ वॉल्यूम टू माय हेयर. और ये मेरे बालों का एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी देता है. अगर इसके होल्ड की बात करूं तो जितना मुझे नेचुरली चाहिए होता है उतना मुझे मिल जाता है. एंड पर्सनली मुझे इतना ज्यादा होल्ड पसंद भी नहीं है. तो अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला हेयर स्टाइल चाहिए तो उसके लिए आप वैक्स यूज कर सकते हो. इसके बाद स्टाइलिंग के साथ साथ ये सी सॉल्ट स्प्रे आपके बालों को काफी नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है बिकॉज इट हैज भृंगराज ऑयल and it has added vitamins in it. तो ये आपके बालों को हेल्दी भी रखता है. एक और जो मेजर रीजन है फ्रॉस्ट सी सॉल्ट स्प्रे यूज करने का वो ये है कि ये एक हीट बैरियर भी बना देता है आपके बालों पर. अगर आप हेयर ड्रायर यूज करते हो तो वो आपके बालों को भी डैमेज नहीं करेगा. सो इट्स अ मस्ट टू हैव प्रोडक्ट विच प्रोवाइड्स सो मेनी थिंग्स. यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट. इसका Amazon लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये भी एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट होगा. और ये मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा जब आपको एक ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए जिसमें बहुत सारा होल्ड रिक्वायर्ड हो. Otherwise you can skip this. And this product is hair wax. अब मैंने यहाँ क्या देखा है, लोग ना थोड़े से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, but trust me when it comes to this product, यहाँ आपको थोड़ा सा quality conscious होना होगा. क्योंकि एक सस्ती और poor quality wax आपके बालों को बहुत ज़्यादा damage कर सकती है. And this is one of the main reason कि क्यों आपको एक अच्छे quality वाले styling product में invest करना चाहिए. And now the last product जो आपके hair care routine में होना ही चाहिए, मैं तो कहूंगा कि अगर आपके बाल नहीं है आपको तब भी यूज करना है, इट इज अ हेयर ऑयल. अब हेयर ऑयल बहुत सारी चीजों के आते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हर बार एक डिफरेंट हेयर ऑयल ट्राई करो. फॉर एग्जांपल अगर आप अभी अनियन हेयर ऑयल यूज कर रहे हो तो जब वो खत्म हो जाए आप उसके बाद आमंड हेयर ऑयल यूज कर सकते हो, और फिर जब वो खत्म हो जाए तो आप कोकोनट हेयर ऑयल यूज कर सकते हो ताकि आपको इन सारी चीजों के बेनिफिट्स मिले और आपकी हेयर की भी अच्छी नरिशमेंट हो. और ऑयलिंग एक ऐसी चीज है जो मैं आपको कहूंगा कि मिनिमम हफ्ते में 2 या 3 बार करो जब भी आप शैम्पू करने वाले हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं कल शैम्पू करूंगा तो मैं आज रात को हेयर ऑयल लगाकर सो सकता हूं और सुबह उठकर शैम्पू कर लूंगा. दिस इज अ वेरी सिंपल रूटीन जो आप फॉलो कर सकते हो. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. इन केस यू लाइक दिस वीडियो, यू फाउंड इट हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप. आल्सो वॉच दिस वीडियो व्हिच आई मेड ऑन सी सॉल्ट स्प्रे, इट्स अ नाइस वन. अगर आप नहीं जानते कि सी सॉल्ट स्प्रे क्या होता है या फिर अगर आपको उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखनी है तो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट. दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई एम गोइंग, आई विल सी यू विद अ न्यू वन. टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून.